हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास इसकी वीट की शेवरलेट वीट जो होती है गाड़ी, उसकी ये डिब्बी आई है पावर स्टेयरिंग की। मैं कंप्लेंट ये है कस्टमर की, जैसे कस्टमर गाड़ी चलाएंगे 30-40 की स्पीड से आगे रनिंग होगी गाड़ी, उसके बाद से मॉडल काम करना बंद कर जाएगा। जैसे चाबी बंद करेंगे और फिर ऑन से करेंगे, दोबारा गाड़ी बंद करके स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद हमारी ये ओके होने लगती है, फिर से काम करना स्टेयरिंग बंद कर जाता है, चालू हो जाता है। तो उसके बाद से जैसे ही रनिंग करेंगे 30-40 की स्पीड से 50 स्पीड से, फिर ये काम करना बंद कर जाएगा मॉडल। तो इस कंडीशन में कि इस ईपीएस में क्या प्रॉब्लम आती है, इसको आप बारीकी से चेक करके दिखाएंगे आपको कि क्यों ये हमारा मॉडल प्रॉब्लम कर रहा है, जिस वजह से हमारा 30-40 की स्पीड से रनिंग पे जब गाड़ी जाती है तो उसकी वजह से हमारा स्टीयरिंग हार्ड होने लगता है। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, खोल के देखते हैं, बने रहें वीडियो के साथ में। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब जरूर करना, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, आपका सब्सक्राइब करने में कुछ पैसा नहीं लगता है, लाइक करने में कुछ पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। खोलते हैं इसे डिब्बी को, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसका हार्डवेयर है, देख सकते हैं शेवरलेट वीट का हार्डवेयर, एक एक करके इसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं, देखते हैं कौन सी रेजिस्टेंस हमारी ख़राब हो चुकी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में। तो सबसे पहले तो हम इसकी कॉन्टिन्यूटी वाली जितनी भी रेजिस्टेंस है वो सब चेक करेंगे, मल्टीमीटर को सेट कर लेंगे हम कंटिन्यूटी पे। तो इसको सेट कर लेंगे हम इस पर कंटिन्यूटी पे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद में पहले इसकी जो जितनी बीप नंबर की मतलब बीप की रेजिस्टेंस है पहले वो चेक करेंगे। सबसे पहले इसकी मॉस्फेट चेक करते हैं कि मॉस्फेट हमारा शॉर्ट तो नहीं है, अगर मॉस्फेट हमारा शॉर्ट होगा तो तीन टांगे हैं, रेड पूरा हमारे को पीछे रखनी है और मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी भी सेट करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बीप करेगा, ये यहाँ पे बीप करने लगा, ये यहाँ पे रीडिंग देगा। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे बीप कर रहा है, यहाँ पे वाले भी बीप कर रहा है और ये बीच में भी बीप कर रहा है तो ये शॉर्ट है, ठीक है। अगर तीनों बीप कर रहे हैं तो ये शॉर्ट हो चुका है मॉस्फेट है। तो ऐसे हम सारे चेक कर लेंगे, कोई और मॉस्फेट तो शॉर्ट नहीं है, बाकी सब पे रीडिंग आ रही है। और आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए इस पर रीडिंग सेम आ रही है, इस पर रीडिंग बढ़ रही है, इससे बीप कर रहा है बीच वाले पे, और इस वाले पे भी रीडिंग आ रही है 11 पॉइंट कुछ आ रही है, ठीक है। इससे भी इतनी ही आएगी, इससे भी रीडिंग बढ़ेगी, इस पर बीप करेगा और इससे भी 1100 कुछ आएगी। तो सेम प्रोसेस इन चारों में रहता है, अगर किसी एक में भी अगर जो प्रोसेस ख़राब हो गया, क्या नहीं मतलब किसी रीडिंग इसकी अगर 1100 आ रही है और इसकी वाले की क्या कहते हैं 2000 आ रही है तो ये ख़राब हो चुका है इंटरनली। अगर शॉर्ट नहीं होगा, अगर रीडिंग ज़्यादा दे रहा है ना, फिर भी ये ख़राब हो चुका है ऑटोमेटिक, तो इसको हमारे को चेंज ही करना पड़ेगा। ये भी ठीक है, तो इससे पता चल जाता है हमारा ये मॉस्फेट ठीक है, इसमें शॉर्टिंग कुछ नहीं है और सही भी काम कर रहे हैं ये। अब बात करते हैं इसकी बीप वाली रेजिस्टेंस की जो होती है 1R0 की, तो ये बीप कर रही है ठीक है। अगर बीप नहीं कर रही है और अगर बीप कर रही है, रीडिंग इनकी आ रही है 10-12 आ रही है, इसकी रीडिंग एक आनी चाहिए, एक या 0 आएगी बस। अगर इसके ऊपर रीडिंग आ रही है, इसकी 10 आ रही है, 12 आ रही है, 6 आ रही है, तो भी ये ख़राब हो चुका है। अगर बीप पे रख के हमने इस पर बीप पे देखेंगे, साउंड देगा ये रीडिंग, अगर 0-1 भी आ रही तो भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ठीक है। तो इसकी जो मेन है वो चेक कर लेंगे, इस वाले की 15 आएंगी, यहाँ पे एक ये वाली ब्लू लगी हुई है और एक इसके ऊपर ये वाली ब्लू लगी हुई है, इन दोनों की सेम रीडिंग आएगी क्योंकि सेम नंबर की हैं।
ये बीप करेगी, रीडिंग आएगी इनकी 14-15, इसकी भी 14-15 रीडिंग आएगी, वो करेगी बीप ये। अब ऐसी ये जीरो नंबर की रेजिस्टेंस होती है, तो इसकी बीप करेगा ये और जीरो नंबर की रीडिंग देगा ये। ये रीडिंग आ रही है जीरो, अब बीप भी कर रहा है ये। अगर बीप नहीं करेगा ये तो भी ख़राब हो चुका है। तो ऐसे ही चेक कर लेंगे सारी रेजिस्टेंस, हम देखेंगे पहले 100 नंबर की और 0 नंबर की और कौन कौन सी हैं। अब चेक करते हैं इस पर 200 के पे रख के, 200 जो मेन वाली है मैं आपको वो चेक करा देता हूँ जो ख़राब होती है मेन वाली। तो ये चेक कर लेंगे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अगर रीडिंग मान लीजिए मैंने ऐसे प्रॉब रखी है और रीडिंग शो नहीं कर रहा है, रेड वाली प्रॉब मैंने इधर रखी हुई है और ब्लैक वाली इधर रखी हुई है, रीडिंग शो नहीं कर रहा है, तो हमारे को प्रॉब चेंज कर देनी है, फिर तब जाके रीडिंग भी देने लगेगी। मान लीजिए इस पर नहीं दे रहा है, ऐसे चेंज करूँगा, रीडिंग देने लगा 3, तो प्रॉब चेंज करके भी हमारे को देखनी होती है कि रीडिंग हमारी गायब तो नहीं है। उससे प्रॉब से भी बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर हमारे मल्टीमीटर में दिक्कत है तभी हमारे को चेंज करना पड़ेगा कि हमारा मल्टीमीटर प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है जो रीडिंग गलत दे रहा है। जो मेन वाली है वो देख लीजिए कौन सी ख़राब होती है, वही मेन वाली मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, कितनी ये यहाँ पे 330 रेजिस्टेंस की यहाँ पे मान लो वैल्यू शो नहीं कर रहा है। ठीक है, शो नहीं कर रहा तो हम इसे ख़राब समझेंगे, ख़राब हो चुकी है, तो हमारे को ऐसा नहीं करना है, इसको सेट कर लेंगे इस पर। ये रीडिंग शो कर गया, 1-2 ऐसे बढ़ती रहेगी, 31-32 रीडिंग आ गई इसकी, तो ये ओके होती है, तो हमारे को ऐसे इसकी चेंज करके देख लेनी होती है। जो इस पर लिखा होता है, जैसे मान लीजिए 3 नंबर लिखा है, 5 नंबर लिखा है, तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। मैंने आपको एक एप्लीकेशन भी बताई थी एक वीडियो में, उसको आप डाउनलोड करके इलेक्ट्रोडॉक के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में मिल जाएगी हमारे को, उसको डाउनलोड करके हम उसको चेक कर सकते हैं कौन सी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जिससे हमारे को तजुर्बा हमारा रिपेयर करने का और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, चाहे ECM हो चाहे EPS हो। तो मेन मैंने आपको बताई थी, चेक कर लेते हैं, उसको वापसी 200K पे रख लेंगे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखते हैं बैक साइड में, खोलते हैं इसे, तो इसके बैक साइड का हार्डवेयर ऐसा दिखता है कुछ। तो पहले जो इसकी बीप वाली है पहले वो चेक करेंगे 1R0 की, फिर से ऐसे क्वांटिटेटिव सेट कर लेंगे, 1R0 लगी हुई है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो जितनी बीप वाली है पहले हम वो चेक कर लेंगे। तो 1-0 नंबर की यहाँ पे है, मैंने आपको बताया भी था अगर 0 नंबर की बीप नहीं करेगी तो भी ख़राब हो जाएगी, यहाँ पर 0 नंबर की हमारी रेजिस्टेंस बीप नहीं कर रही है, इसको यहाँ पे बीप करना चाहिए। और 103 की यहाँ पे लगी हुई है, देखते हैं 103 की वैल्यू यहाँ से चेक करेंगे 200K पे, 103 की रेजिस्टेंस की वैल्यू सारी, पहले 223 की चेक करेंगे, वो भी ठीक है, 333 की ठीक आ रही है, 103 की चेक कर लेंगे हम जितनी भी रेजिस्टेंस हैं,
104 की चेक कर लेंगे। तो पहले ये तो बीप, ये रेजिस्टेंस बीप नहीं कर रही है, जीरो नंबर की है यहाँ पे लगी हुई, ये बीप नहीं कर रही है। पहले इसे चेंज करेंगे और चेंज करके देखेंगे ये हमारी बीप करने लगी है। ये देखिए मल्टीमीटर बीप कर रहा है हमारा, और ये जीरो नंबर की यहाँ पे लगी हुई है बट ये बीप ही नहीं कर रही है। प्रोब भी चेंज करके देख लेंगे हम, कहीं प्रोब में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही हमारी। तो प्रोब भी ठीक लगी हमारी बट ये बीप ही नहीं कर रही है, तो उसको चेंज करते हैं, जीरो नंबर की रेजिस्टेंस लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये रही हमारी जीरो नंबर की रेजिस्टेंस, इसको निकालते हैं और निकाल करके ये हमारी जीरो नंबर की है, शायद आपको वीडियो में साफ नहीं आ रही होगी, तो उसको निकाल के यहाँ रख देंगे पहले। अब इसको जो रेजिस्टेंस ख़राब थी हमारी जीरो नंबर की, ये वाली जो बीप नहीं कर रही थी, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं हम कॉन्टिन्यूटी पर रख के। कॉन्टिन्यूटी पर रखा हमने, क्वांटिटी रखने वाले पहले मल्टीमीटर चेक करेंगे हम अपना, मल्टीमीटर हमारा बीप कर रहा है। अब इसके जीरो नंबर की वाली चेक करेंगे, बीप कर रही नहीं कर रही, ये वाली बीप नहीं कर रही है। अब इसको रिमूव करते हैं, फिर ये जीरो नंबर की दूसरी ली मैंने से चेंज करेंगे इसे। ये रिमूव हो चुकी है, इसको यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख दिए। अब ये वाली थी जो, ये उठाते हैं इसे जीरो नंबर की, इसको दोबारा से ऐसे फिट कर देंगे, थोड़ी सी हीट करेंगे पहले इसका जो शोल्डर हीट हो जाए, उसके बाद इसको ऐसे लगा करके हल्का पुश कर देंगे ताकि ये हमारी आराम से बैठ जाए। तो ये लग चुकी है, इसको आयरन से हल्की से पहले और अच्छे से बैठा लेते हैं, तो उस पर थोड़ा सा शोल्डर लगाएंगे। शोल्डर लगाने के बाद में ऊपर का तो पुश कर लेंगे, ताकि इसकी अच्छे से पकड़ हो जाए। तो आप इसे चेक करते हैं कि हमारी ये रेजिस्टेंस ठीक हुई नहीं हुई है, इसकी रीडिंग आएगी जीरो। तो हमारी ये वाली रेजिस्टेंस थी जो बीप नहीं कर रही थी, अब देख सकते हैं बीप कर गई है हमारी रेजिस्टेंस और रीडिंग भी आ गई इसकी जीरो। ये रेजिस्टेंस ख़राब हो चुकी थी जीरो नंबर की, ये यहाँ पड़ी हुई है जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाली जो ख़राब हो चुकी है जो मैंने रिमूव करी थी, तो इसकी और 110 की और चेक कर लेते हैं जितनी भी हैं। तो यहाँ पे 110 की भी रीडिंग कुछ नहीं आ रही है, और चेक कर लेते हैं कहीं और से तो ख़राब नहीं है, अगर कहीं और से ख़राब होगी तो भी हमारी ये रीडिंग शो नहीं करेगा। यहाँ पे 110 की तो ठीक है वैल्यू, यहाँ भी ठीक है इसकी, इसकी भी ठीक है, बट यहाँ पे 110 की रेजिस्टेंस की वैल्यू ठीक नहीं आ रही है, कुछ वैल्यू ही नहीं शो कर रहा है।
तो इसे भी चेंज करेंगे, पहले प्रॉप भी चेंज करके देख लेते हैं कहीं प्रॉप प्रॉब्लम नहीं कर रही हमारी प्रॉप। हमने प्रॉप भी चेंज करके देख ली बट इसमें कोई रीडिंग ही नहीं शो कर रहा है, तो इसे चेंज करेंगे। इसे भी चेंज करते हैं, 103 की रेजिस्टेंस की वैल्यू है, 10 आती है, ये भी शो नहीं कर रहा है। तो 103 के दम चाहें इसमें से उठा ले, किसी इसमें से निकालने लगते हैं GPS में से। अरे चेक कर लेंगे हम 103 की वैल्यू, इसमें जो निकालेंगे जो रिमूव करेंगे कि हमारी ओके है भी नहीं है, खामा कहीं हम निकाल लें और ओके भी ना हो, दोबारा मेहनत हो जाए। तो 103 की हमारी ये रही, 103 की हमारी ये है कि वैल्यू देख सकते हैं आप 9.8 आ चुकी है। तो इसे रिमूव करते हैं और इसमें लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे को जब EPS पे काम कर रहे होंगे तो EPS पे हमारे को हीटिंग इतनी सेट करके रखनी है, 450 सेट कर लेंगे, या हम 400 सेट कर लेंगे या 350 सेट कर लेंगे जब EPS पे काम करेंगे। तो एयर रख लेंगे हम इसकी 3-3.5 एयर रख लेंगे इसकी। तो जो मैंने रिमूव करी है इसकी 103 की रेजिस्टेंस, तो इसमें अब लगाते हैं, इसकी वैल्यू नहीं आ रही थी। इसकी हमारी 103 की वैल्यू नहीं आ रही थी, शो ही नहीं कर रहा था। इसको भी उठा के इधर रख देते हैं, लेते हैं ये वाली जो हमने रिमूव करी थी, इसको हीट कर लेते हैं हल्का सा। ये तो उड़ गई रेस्ट, चलो कहीं दूसरी निकाल दे। तो 3 की एक वैल्यू दिखाइए देने वाली, 10 आठ हाँ ठीक है। इसकी वैल्यू चेक करते हैं, तो वैल्यू नहीं शो कर रहा था। इसकी वैल्यू ठीक आने लगी है हमारी, 8 अगर भी आएगी, कोई 8 भी आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो शोल्डिंग सही से नहीं है, शोल्डिंग दोबारा सही से करनी पड़ेगी। काम बड़ा मैं ध्यान से करना होता, अगर शोल्डिंग लूज रह जाएगी तो ऐसा होता है गाड़ी हम लगाएंगे, लगाने बाद में इसमें करंट तो पहुंचेगा, अब करंट पहुंचेगा तो लूजिंग के कारण प्रॉब्लम करेगा फिर ये। तो शोल्डिंग इसकी अच्छे से कर लेनी है, शोल्डिंग हो गई हमारी, तो इसको साफ़ कर लेंगे। इसे हीट दिखा देंगे ताकि सूख जाए। ओके, तो इसकी वैल्यू चेक करते हैं, इसकी वैल्यू हमारी ठीक आ चुकी है, पहले वैल्यू ही नहीं शो कर रहा था, इसकी वैल्यू आ चुकी है।
तो जो मेन मेन ख़राब थी मैंने आपको वो चेक करा दी, जो मेन मेन ख़राब होती हैं। एक बार दोबारा से 1 और 0 वाली चेक कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये डिब्बे में हमारी सिर्फ 2 रेस्टेंट ख़राब थी जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही थी। जब गाड़ी 40-30 की स्पीड से चलती थी हमारी डिब्बी काम करना बंद कर जाती थी मॉड्यूल, और गाड़ी बंद करेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे दोबारा फिर से चालू जाती थी, कुछ टाइम बाद फिर बंद कर जाएगी। तो इसमें ये 2 रेस्टेंट ख़राब हो रही थी, तो 0 नंबर वाली है और ये दूसरी 103 वाली है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये रेस्टेंट मैंने चेंज कर दी है, तो अब ये डिब्बी सही काम करेगी। डिब्बी हमारे पास बाहर से आई है, तो गाड़ी होती है हमारे पास, मैं आपको गाड़ी में दिखाता। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दिखाते हैं आपको नई से नई वीडियो लेके आते हैं आपके लिए एक स्मार्ट कैन। जब मैं स्मार्ट कैन एक बनाऊंगा छोटा सा, ताकि आप घर बैठे अपने कोई सा भी ECM स्कैन कर सकते हैं और उसके वोल्टेज चेक कर सकते हैं IC के पास में कि वोल्टेज बना रहा है वो नहीं बना रहा है। कोई सी IC का मान लीजिए वोल्टेज नहीं बना रही है तो भी ख़राब है, अगर ज़्यादा बना रही है तो भी ख़राब है। तो वो वाला टूल लेके आऊँगा ताकि आप जो है घर अपने दुकान पर ये टूल बना सकते हैं बहुत ही कम पैसों में, 100-150 रुपये में। 2 रिले लगानी है आपको, बाकी जो कैसे स्विच लगाना है वो सब बताता हूँ, कैसे कनेक्शन करना है वो कल वीडियो बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।